है हमारे खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पीएम मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास के पथ पर हरियाणा सरकार बखूबी चल रही है और हर वर्ग खुशहाल हो इस पर खास फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के विकास को रफ्तार देने की दिशा में भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा का अच्छा प्रदर्शन है। तभी तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कोरोना की रोकथाम को लेकर सीएम मनोहर लाल के किए गए प्रयासों को सराहा है और हरियाणा सरकार में ठेकेदार प्रथा पर वार कर युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। 2014 के पहले के प्रदेश की तस्वीर और अब के हरियाणा में जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों को बेहतर एजुकेशन की सुविधा हो या अस्पतालों में इलाज की अच्छी व्यवस्था हो, अपराधियों पर भी प्रशासन का डंडा बखूबी चल रहा है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि मनोहर लाल सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की उड़ान लगातार जारी है। रेल के जाल का विस्तार, हरियाणा सरकार का रोड मैप तैयार। ठेकेदार प्रथा पर कौशलवार, बेरोजगारों को मिल रहा रोजगार। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के इंतजाम, सीएनजी पीएनजी का अनुदान। कोरोना के खिलाफ सीएम की लड़ाई, पीएम ने पीठ थपथपाई। प्रदेश के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल लगातार प्रयासरत हैं और दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और हिसार और दिल्ली के बीच रैपिड रेल शुरू करने की मांग भी की है। ऐसे में जिस पर अश्विनी वैष्णव ने सहमति भी जताई है, वहीं दिल्ली हिसार के बीच रैपिड रेल शुरू होने से हवाई यात्रा से हिसार पहुंचने वाले यात्रियों को फिर दिल्ली लौटने में आसानी होगी। रिपोर्ट देखिए। रेल का जाल विस्तार करने का मनोहर प्लान, दिल्ली हिसार के बीच दौड़ेगी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम की मुलाकात। हिसार में हरियाणा का पहला एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। एयरपोर्ट को नए आयाम देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिसार और दिल्ली के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू करने की मांग की। दरअसल दिल्ली हिसार के बीच रैपिड रेल शुरू होने से हवाई यात्रा से हिसार पहुंचने वाले यात्रियों को फिर दिल्ली लौटने में आसानी होगी। दिल्ली हिसार के बीच 180 किलोमीटर की दूरी सामान्य रेल से 4 घंटे में तय होती है। रैपिड रेल लाइन से ये दूरी महज 1.5 घंटे में तय की जा सकी। इसका फायदा ये होगा कि दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगर ज्यादा एयर ट्रैफिक होगा तो कुछ एयर ट्रैफिक हिसार एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जा सकेगा। इससे हिसार एयरपोर्ट को भी एविएशन हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली हिसार के बीच रैपिड रेल शुरू होने से हिसार एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सटेंशन होने में मदद मिलेगी। हरियाणा की रेल परियोजनाओं को लेकर 10 जनवरी दिन सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हरियाणा भवन में मुलाकात की। इसमें राज्य की सभी परियोजनाओं को पूरा करने और उनमें विकास की नई संभावनाओं को जोड़ते हुए रेल मंत्री ने बताया कि सभी योजनाएं तय समय में पूरी होंगी। इन परियोजनाओं को भी मिलेगी गति। रोहतक रेलवे लाइन के नीचे रेलवे की खाली जगह पर एक नई सड़क बनाने पर सहमति बनी। कुरुक्षेत्र की तरह कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इसका काम तेजी से हो इसके लिए रेल मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पलवल और प्रथला में वेस्टर्न रेल फ्रंट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य जल्द शुरू होगा ताकि ईस्टर्न रेल फ्रंट कॉरिडोर प्रथला और फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब के लिए उपयोगी हो सके। केएमपी के साथ रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसके शिलान्यास के लिए समय मांगा जा रहा है। रेल मंत्री के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर 10 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे नए रेलवे स्टेशन के शहर, कस्बे, गांव और आसपास के क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। इन क्षेत्रों में औद्योगिक, वाणिज्य और रिहायशी क्षेत्रों का भी विकास होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं
तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ करके कुछ प्रोजेक्ट्स की ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन हैं वो उसमें संभव हो सकें, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्री एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हम विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है, कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। हरियाणा में केंद्र से जुड़े सभी परियोजनाओं के जल्द पूरा करवाने के लिए CM मनोहर लाल समय समय पर दिल्ली का दौरा करते रहते हैं और संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलते हैं और प्रदेश से जुड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाने का आग्रह भी करते हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र TV। CM मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और प्रदेश के उद्योगों में CNG PNG के इस्तेमाल के लिए 1 साल की छूट मांगी है, जिस पर भूपेंद्र यादव ने सहमति भी जताई है। नजफगढ़ ड्रेन से गुरुग्राम में लगभग 3000 एकड़ भूखंड पर पानी फैल जाता है और इसकी निकासी को लेकर भी प्लान बनाया गया है। सुस्त पड़ी इंडस्ट्री को रफ्तार देने का मनोहर प्लान, CNG PNG के इस्तेमाल के लिए 1 साल की छूट। नजफगढ़ ड्रेन के पानी से जुड़े मुद्दे पर भी बनी बात। हरियाणा ने केंद्र सरकार से प्रदेश के उद्योगों में CNG PNG के इस्तेमाल के लिए 1 साल की छूट मांगी है। 10 जनवरी दिन सोमवार को CM मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री के समक्ष उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उद्योगों को कम से कम 1 साल की छूट दिए जाने की मांग की है ताकि प्रदेश भर में तब तक संरचनात्मक ढांचा तैयार हो सके। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहमति जता दी है। मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है, खास करके जैसे CNG PNG के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब PNG CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। ऐसे ही एक विषय जो राइस मिलर्स का है, हस्क जलाने का जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है, उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है, फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सके, अन्यथा राइस हस्क एक हैवी बल्कि हैवी नहीं होता बल्कि बहुत बल्कि एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका उपयोग उसी के अंदर हो सके। वहीं CM मनोहर लाल ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान नजफगढ़ ड्रेन के पानी से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि नजफगढ़ ड्रेन से गुरुग्राम में लगभग 3000 एकड़ भूखंड पर पानी फैल जाता है। इसकी निकासी के लिए नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग का काम केंद्र, हरियाणा और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से करे ताकि उस पर बांध बनाया जा सके, इससे क्षेत्र के लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। दूसरा एक विषय था जो नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डी सिल्टिंग है
ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डिसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी उनको परमिशन मिले ताकि वो जो एरिया 3,350 एकड़ है उसको बचाया जा सके। इंडस्ट्री में सीएनजी पीएनजी के इस्तेमाल के लिए 1 साल की छूट देना सरकार का अच्छा फैसला है। इससे कोरोना काल में सुस्त पड़ी इंडस्ट्री को रफ्तार मिलेगी। नजफगढ़ ड्रेन के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। कमेटी गठित होने से नजफगढ़ ड्रेन की समय समय पर नियमित रूप से साफ सफाई हो सकेगी और गुरुग्राम जिला क्षेत्र में जल भराव को रोकने के लिए हरियाणा क्षेत्र में बांध का निर्माण भी कराया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों को सराहा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा की पीठ भी थपथपाई। और वहीं वैक्सीन लगाने के मामले में राष्ट्रीय औसत के अधिक प्रतिशत वाले राज्यों में हरियाणा शुमार है। 15 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों को भी वैक्सीन लगाने के मामले में हरियाणा राष्ट्रीय औसत से आगे रहने वाले राज्यों में शुमार है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की रोकथाम में हरियाणा का अच्छा प्रदर्शन। पीएम मोदी ने प्रदेश के प्रयासों को सराहा। सीएम मनोहर लाल की थपथपाई पीठ। कोरोना की रोकथाम को लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। पहली और दूसरी लहर को रोकने के लिए जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने मोर्चाबंदी की वो काबिले तारीफ है, जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी भी कई बार कर चुके हैं। दरअसल 13 जनवरी दिन गुरुवार को पीएम मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान संक्रमण के प्रसार को रोकने को लेकर चर्चा हुई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वर्चुअली जुड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को स्वास्थ्य संसाधन मजबूत करने के लिए भेजे गई राशि का हरियाणा ने सही उपयोग किया है। वैक्सीन लगाने के मामले में राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रतिशत वाले राज्यों में हरियाणा शुमार है। 15 से 18 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के मामले में भी हरियाणा राष्ट्रीय औसत से आगे रहने वाले राज्यों में है। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के ताजा हालात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, रिकवरी रेट 95% से अधिक बना हुआ है, सक्रिय मामले बढ़ने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी अधिक है, ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति भी जल्दी ठीक हो रहे हैं, स्वास्थ्य अमला पूरे प्रदेश में सक्रिय है और संक्रमितों के बारे में पूरी जानकारी रखने के साथ ही दिशा निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट पर्याप्त संख्या में उत्पादन कर रहे हैं, अस्पतालों में बेड, जीवन रक्षक दवाइयों और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है। इससे पहले भी कई दफा हरियाणा सरकार की तारीफ की जा चुकी है। नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स में भी ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा आगे रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन केंद्र लगाए गए हैं। सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 52 नेशनल यूथ अवार्डी को खेल विभाग में रोजगार दिए जाने की घोषणा की है और इसके साथ साथ उन्होंने 10,000 से अधिक आबादी वाले 125 गांव में कमल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने का भी ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। देश प्रदेश की विकास की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर होती है। प्रदेश के युवाओं को सीएम मनोहर अलग अलग मंचों से प्रोत्साहित करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भारत विकास परिषद हांसी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत की। उन्होंने कमल क्लब में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की अपील भी की। स्वैच्छिक सेवा के लिए आगे आने वाले युवाओं के लिए समर्पण पोर्टल बनाया गया है। इसमें अब तक 1300 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। हरियाणा सरकार युवाओं को देश ही नहीं विदेशों में भी अवसर मुहैया कराने के लिए कार्य कर रही है। आज कॉलेजेस से डिग्री लेकर निकलने वाले युवाओं को
मुफ्त में पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि वो विदेश में जाकर अध्ययन और रोजगार कर सकें। सरकार युवाओं को नए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी अवसर प्रदान कर रही है ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और नए नए रोजगार पैदा हों। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह संकल्पित है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि युवाओं को सीएम मनोहर लाल ने क्या क्या सौगातें दी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को मनोहर सौगात। युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हो रहा प्रयास। प्रदेश भर के 52 नेशनल यूथ अवार्डियों को खेल विभाग में मिलेगा रोजगार। 10,000 से ज्यादा की आबादी के 125 गांव में युवाओं के लिए बनेंगे कमल क्लब। खेल, रोजगार, सरकारी प्राइवेट सेवाओं, व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे युवा। सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद को याद किया। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो यूथ अच्छे काम करके उनको अवार्ड्स मिलते हैं, हर स्तर पर उनको अवार्ड मिलते हैं, जो नेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं, ऐसे अवार्डीज इनको हम अगर वो मानो उनको व्यवसाय उनका कोई नहीं है, काम उनके पास नहीं है, तो ऐसे 52 अवार्डी हैं, इन सबको हम हरियाणा में कोई ना कोई व्यवसाय के नाते, रोजगार के नाते, किसी भी विभाग में, हमारी इच्छा रहेगी उनको खेल विभाग में हम जोड़ेंगे। हर जिले में उनको जहां जरूरत होगी 52 के 52 नेशनल अवार्डीज उनको हम यानी एक प्रकार से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवा का उपयोग करेंगे। पहला तो ये एक घोषणा आज मुझे करनी थी। दूसरा, युवकों को इनको व्यस्त करने के लिए गांव-गांव में क्लब बनाने की योजना हमारी है। तो पहले चरण में हमने योजना बनाई है कि जो हमारी 10,000 से ऊपर की आबादी के लगभग 125 गांव हैं, इन 125 गांव में हम बहुत जल्दी क्लब बनाएंगे और क्लब का नाम होगा कमल क्लब। तो ऐसे कमल क्लब की स्थापना करके ये 120 या 125 जो गांव होंगे पहले चरण में ये होंगे, अगले चरण में 10,000 की बजाय उसको 8,000 लाएंगे, 6,000 5,000 लाते हुए आगे गांव के अंदर कमल क्लबों की स्थापना करके और उन युवाओं की जो रुचि है, जो भी उनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, शारीरिक बल है, बुद्धि है, उसके हिसाब से समाज सेवा के वो लोग काम करें। 18 से 35 साल के युवाओं को शिक्षा, संस्कार, स्किलिंग और खेलों से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार लगातार अभियान चला रही है। हरियाणा खेलों का हब बना हुआ है। आज खेलों में देश के कुल मेडल में से 35 से 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद की 39 शाखाओं में 26 जनवरी तक लगातार रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। ऐसे समाज सेवी युवकों को अभी तक एनजीओज, अन्य संस्थाएं, ये सब उनको सहयोग करती हैं या उनसे काम लेती हैं। हमने सरकार के लेवल पर भी हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल का नाम है समर्पण। समर्पण पोर्टल में जितने ऐसे स्वयंसेवी युवा हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, उनको हमने कहा कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जहां भी समाज सेवा के काम संस्थाओं के द्वारा अथवा सरकार के द्वारा जो चलाए जाएंगे उनके अंदर उनको सहभागी बनाएंगे। इसके अंदर अभी कल मैं देख रहा था 1300 युवाओं ने अभी तक उसमें रजिस्टर किया है। तो 1300 युवाओं ने रजिस्टर किया है, उनको निश्चित रूप से अगले 15 दिन में हम कोई काम जो भी देने वाले होंगे, जो उनकी रुचि होगी वो सब काम देंगे। ऐसे युवाओं को समाज के अंदर विभिन्न कामों में लगा करके उनका एक प्रकार से विकास भी होगा, उनको भी समाज के प्रति एक संवेदनशील होने का एक अवसर मिलेगा कि समाज क्या है, समाज में काम करने का अवसर उनको मिला तो वो आगे बढ़ करके समाज सेवी वृत्ति के बने। नेशनल यूथ अवार्डी को खेल विभाग में रोजगार देने का सीएम मनोहर लाल का अच्छा फैसला है। सीएम मनोहर लाल का मकसद कमल क्लब के जरिए खेल और अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना और युवाओं की क्षमता, बुद्धि और शक्ति को बढ़ाना है ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम युवाओं के लिए संजीवनी की तरह है और युवाओं को यहां ठेकेदार के चक्कर से दूर उन्हें रोजगार मुहैया भी करवाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि जिन युवाओं की कोर्ट के मामले या अन्य कारणों के चलते सरकारी नौकरी छूट गई है, उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके अनुभव की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनी संजीवनी, युवाओं को मिल रही नौकरी,
ठेकेदार प्रथा पर भी लगी लगाम। सरकारी नौकरी छूटे युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड पर कार्य कर रहे हैं। सूबे के युवाओं को रोजगार मिले, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। 11 जनवरी दिन मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डीएस ढेसी, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, रोजगार निगम के सीईओ अनंत प्रकाश पांडे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिन युवाओं की कोर्ट के मामले या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है, उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके अनुभव की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी गई है कि अभी तक निगम के पोर्टल पर कुल 32,571 युवाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, जबकि 2,333 युवाओं का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम आखिर है क्या। आउटसोर्सिंग नीतियों के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियां ऑनलाइन हुई। रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं युवा। कर्मचारियों को ईपीएफओ ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। योग उम्मीदवारों को मिल रहे पर्याप्त रोजगार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, उनकी भर्ती के लिए अब आवेदन आमंत्रित किए जाएं, तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राज्य सरकार की नियमित या आउटसोर्स नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहता है, तो दूसरे पद के आवेदन में उसे पहले वाले अनुभव को भी मान्यता दी जाए। मनोहर लाल सरकार की हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्रदेश के युवाओं के लिए संजीवनी साबित हो रही है। युवाओं को इससे रोजगार के मौके मिल रहे हैं और ठेकेदार प्रथा पर भी लगाम लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश अपना हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।